फर्रुखाबाद में ताजिया कमेटी के अध्यक्ष वासीयुल रहमान और किसान यूनियन के पदाधिकारी संजय गंगवार व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने क्षेत्राधिकारी सहित पुलिस कर्मियों और बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता जावेद अहमद खान सहित सभी बिजली कर्मियों को सम्मानित किया। शमशाबाद बीते दिन कस्बा स्थित मोहल्ला तराई ढाई घाट रोड पर 8 वर्षीय बालिका पलक पुत्री स्वर्गीय फूल मियाँ अपने दरवाजे पर खेल रही थी, तभी बाजार की ओर से ढाई घाट जाने वाले मार्ग पर एक बाइक पर दो युवक जा रहे थे। उनकी बाइक से उस बालिका का एक्सीडेंट हो जाता है। बालिका के चोट लगने पर बाइक सवार दोनों युवक उस बालिका को बाइक पर बिठाकर अपने साथ लेकर चले गए। बालिका को बाइक पर जाता देख मोहल्ले में चीख पुकार मच गई और थाना अध्यक्ष बलराज भाटी को फोन द्वारा अवगत कराया गया। थाना अध्यक्ष ने विलंब ना करते हुए तत्काल प्रभाव से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और दोनों जनपदों की सीमा संपर्क मार्गों को चारों तरफ से घेर लिया गया तथा एक घंटे के अंदर थाना अध्यक्ष ने बालिका को इस्माइलपुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर से सकुशल बरामद कर लिया और परिजनों को सौंप दिया। वहीं कस्बे में तेज तर्रार थाना अध्यक्ष की खूब सराहना होने लगी। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आज आपने पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों को सम्मान किया, साल उड़ाकर सम्मान किया है, किस उपलक्ष्य में किया था सर, बता दीजिएगा। ये हमने अभी कल हमारे शमशाबाद में तराई मोहल्ला से एक 8 साल की लड़की को दो बाइक सवारों ने उसको उठा लिया और उठाने के बाद हमारे शमशाबाद एसओ बलराज भाटी के पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने उसको एक घंटे में बरामद करके उसके सकुशल उसके घर पहुंचा दिया, जिससे हमारे शमशाबाद में व्यापार मंडल में सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। और अभी 2-3 दिन पहले मुहर्रम हमारे यहाँ शमशाबाद में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे कप्तान साहब, सीओ साहब और शमशाबाद एसओ का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा, जिसकी हम लोग उनके पीठ पीछे प्रशंसा करते हैं और उसी संबंध में हम लोगों ने उनको साथ उड़ाकर सम्मानित किया। और इसमें हमारे शमशाबाद के बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी जेई से लेकर नीचे तक सभी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और नगर पंचायत का भी बहुत सराहनीय कार्य जी, इसी उपलक्ष्य में प्रशंसा करते हैं। इसी उपलक्ष्य में सब, हाँ, सबको आपने उपलक्ष्य में आज सीओ साहब और एसओ साहब को सम्मानित किया और जेई जी धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।